राहुल जी ने कहा है कि जो 2 लाख रुपए कर्जा माफ करते हैं उसको करके दिखाए हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने। हमारे साथ कांग्रेस एमपी अनिल कुमार यादव जी जुड़े हैं। 2 लाख रुपए कर्ज माफी का जो वादा था कांग्रेस पार्टी का पूरा किया गया है, पहले ऑपोजिशन इस पर कई सारे सवाल खड़े कर रही थी, आज आप इस चीज को कैसे देखते हैं? ये किसानों के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इलेक्शंस जनरल इलेक्शन से पहले वारंगल के जनसभा में, किसान जनसभा में उन्होंने कहा था कि जैसे कांग्रेस की सरकार तेलंगाना के अंदर आएगी तो 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ किया जाएगा। इसी तरह जैसे सरकार यहाँ पे आया है, सरकार यहाँ पे हुकूमत में आने के बाद कांग्रेस पार्टी हमेशा ये बात पे रहती है कि जो बात वो बताती है वो बात करके दिखाती है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी है रेवंत रेड्डी जी ने, जो राहुल जी ने कहा है कि जो 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ करते हैं उसको करके दिखाए हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने, और इससे लगभग 45 लाख किसान का इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि किसान ही हमारा अन्नदाता ही किसान जो है देश को चलाता है, और हमारा सरकार जो है जुमले का सरकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो बात बताते, आप इतिहास में भी अगर हम देखेंगे पहले भी जो बात कांग्रेस पार्टी कहते थे इससे पहले भी हो चुका है। सोनिया गांधी जी के लीडरशिप में 2004 में उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर पूरे किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम उस समय कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज दोबारा कांग्रेस पार्टी ये तेलंगाना के अंदर करके दिखा रहा है। राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। ये जो बीजेपी के जैसे जो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, जो जुमले करते हैं, बोलते कहे करते कुछ नहीं है। आज हमारा सरकार वो नहीं, हमारा किसानों का सरकार है, युवाओं का सरकार है, महिलाओं का सरकार है। ये सरकार हिंदुस्तान के अंदर जो कांग्रेस तेलंगाना के अंदर काम कर रहे हैं एक मिसाल है। आपकी सरकार पर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इस तरीके का जो फ्रीबी कल्चर लेके आ रही है, रेवड़ी कल्चर जिसको कहते हैं, इस पर राज्य के खजाने पर प्रभाव पड़ता है, तो इसको लेकर क्या कहें साहब? अगर हम लोग कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, सरकार अगर कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं तो सोच समझ के लेंगे। ऐसा नहीं कि कर्जा, मतलब जैसे आपने बताया कि राज्य के खजाने के ऊपर इसका कोई मतलब वेट गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो भी कर रहे हैं वो पूरा देख समझ के, सोच समझ कर, पहला किसान खुश रहना चाहिए, क्योंकि किसान जब हमें अन्नदाता हमें अन्न देता है तो उसका जो सबसे बड़े मुसीबत है, उसका जो दुख है, उस दुख को एड्रेस करने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, खासकर तेलंगाना के अंदर तेलंगाना का कांग्रेस सरकार कर रही है, रेवंत रेड्डी जी कर रहे हैं। और हमेशा आप याद रखेंगे किस तरह से बीजेपी ने किसानों के लिए धोखा दिया है, बीजेपी हमेशा किसान विरुद्ध काम किया है, लेकिन आज राहुल गांधी जी तेलंगाना सरकार किसान के हित में काम कर रहा है, किसान के जो बेनिफिट्स है उसके लिए काम कर रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे जो इससे खजाने के ऊपर कोई वजन गिरेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के एमपी अनिल कुमार यादव, कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।